देखिएगा टुडे इट इज द थर्ड वन थ्योरम, वैसे ये फिफ्थ थ्योरम है, आपको क्लियर कर दूं। फर्स्ट बीपीडी, सेकंड कन्वर्स ऑफ बीपीडी, थर्ड जो टेक्निकली परसों आपको पढ़ाया था सैटरडे के दिन, नो पाइथागोरस इज द फोर्थ वन जो इन ए गिवन टू सिमिलर ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पोंडिंग साइड्स द स्क्वायर। तो ये आपका कन्वर्स जो है वैसे ही फिफ्थ में। तो अब आप देखिएगा कन्वर्स जो वर्स नहीं है, विच इज नॉट वर्स, दैट इज कन्वर्स। सिंपली मीन्स जो पाइथागोरस थ्योरम में गिवन में था वो यहां आपका प्रूव करना पड़ेगा, और जो वहां टू प्रूव था वो वहां गिवन, तो उल्टा होता है। तो देखिए यहां क्या था, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम में देखें वहां एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल दिया होता था, एंड यू हैव टू प्रूव द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। यहां पे ट्राइंगल है, देखो यहां पे कहीं जिक्र नहीं है, देखिएगा इन ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल में इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, यहां पे वन साइड का मतलब लॉन्गेस्ट साइड होती है, याद रखिएगा। तो इस आपका ना द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड्स जो अदर है उनके स्क्वायर्स के बराबर है, तो ये गिवन में दिया है सच दैट। और आपको प्रूव करना है देन द अपोजिट एंगल, इसके सामने जो लॉन्गेस्ट साइड है इसके अपोजिट में जो आपका है वो 90 डिग्री आपको प्रूव करना है। श्योर हो गया सर? तो देखिए यहां पे मेन आपको जो होगा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा एक बार, आपको वन टाइम में ही आपको आ जाना चाहिए कंस्ट्रक्शन में। देखिए कंस्ट्रक्शन आपका हमेशा डॉटेड होती है, याद रखिएगा इट इज ऑलवेज डॉटेड। पी क्यू आर, अब देखिएगा पी क्यू इज इक्वल टू ये आप कर देंगे, एंड क्यू आर इज इक्वल टू ये कर देंगे कंस्ट्रक्शन। तो देखिए P, Q, बल्कि आपका कंस्ट्रक्ट पहले लिख देता हूं, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, वे एंगल Q इज इक्वल टू, एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री सच दैट या का, या ड्रॉ भी आप लिख सकते थे, नाम देखो एक ही बात है, ड्रॉ पी क्यू इज इक्वल टू आपका नाम ए बी, एंड QR is equal to now the BC. ये डॉटेड है, तो डॉटेड मीन्स कंस्ट्रक्टेड किया आपने, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया आपने, राइट एंगल ट्राइंगल में आपका एंगल क्यू आपका 90 डिग्री हो गया, दिस फेस इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस एज इज इक्वल टू दिस वन। अब आपका इनको प्रूफ देखिए, आप सबसे पहले मैंने बहुत शुरू से जिस दिन से मैं थ्योरम पढ़ा रहा हूं मैंने बहुत क्लियर किया, हमेशा गिवन का इस्तेमाल पहले करने का। हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का मतलब, आज भी मैं बता रहा था कि कंस्ट्रक्शन का मतलब क्रिएटिव होना आपका नाम देखो, जैसे आपके पास टेंथ में कंस्ट्रक्शन एक आपका टॉपिक भी है, उसका मतलब ये है कि आपने साल भर क्या किया, व्हाट यू हैव डन थ्रू आउट द ईयर। आपको कंपास पकड़ना आता है या नहीं आता है वो भी उसी कंस्ट्रक्शन में आता है। कंस्ट्रक्शन हम मकान करते हैं, मकान भी आपका ना, अगर एक पत्थर भी आपने थोड़ा सा गलत लगा दिया तो पूरी दीवार की जो आपकी इवननेस खत्म हो जाएगी। ऐसे कंस्ट्रक्शन का मतलब कि जो आप कर रहे हैं क्या वो इवन वे में है या नहीं है, तो ये आपको देखना है। तो सबसे पहले आप गिवन का इस्तेमाल करेंगे, तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी आपका देखिए वो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका नाम देखो, दिस इज ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, आई एम नॉट सेइंग इट्स गिवन, दिस ट्राइंगल इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, आई हैव टू प्रूव दैट कि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो दैट्स व्हाई इट वाज द कंस्ट्रक्शन वाज क्वाइट क्लियर हियर। नाउ देखो अब इन में सेकंड में इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ना देखो दिस यूज इन पाइथागोरस थ्योरम आप राइट एंगल में यूज कर रहे थे कि आपका ना, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इज इक्वल टू नाउ बेस के स्क्वायर एंड प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, ये क्या है आपके पास, ओके नाउ दिस इज पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर, ये आपका क्यू आर का स्क्वायर और नाउ प्लस PQ का स्क्वायर, दैट्स गुड। नाउ देखो इज इट क्लियर, नाउ देखो
अब पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर इन प्लेस ऑफ क्यू आर व्हाट यू कैन कीप बी सी का स्क्वायर बी सी का और प्लस इन प्लेस ऑफ पी क्यू व्हाट यू कैन कीप ए बी का स्क्वायर क्लियर। या आप क्या कर सकते हैं देखो पी क्यू यहां लिख दीजिएगा पी क्यू का स्क्वायर और प्लस आपका देखो ना क्यू आर का स्क्वायर तो अल्टीमेटली आपका ना देखो ये आपका ए बी का स्क्वायर हो जाएगा और ना देखो दिस इज द ये आपका बी सी का स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है either you can write perpendicular ahead or it can be go back ya apna naam dekho is this matlab wo kaam kariye jisse ki kahin pe koi dikkat nahi aaye aapko to dekhiye f from equation number 1 and equation number 2 ye yahan pe aap likh sakte hain aur clear now dekho comparing ye koi zaruri nahi hai aapka dekho comparing equation number 1 dekhiye and equation number 2 for आप ये भी लिख सकते हैं आपका देखो ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर लुक ये देखिएगा ये आपको दिया हुआ था इट वॉज गिवन टू यू एंड देखो ये आफ्टर अप्लाइंग इन राइट एंगल ट्राइंगल द पाइथागोरस थ्योरम ये देखिए आपका नाम परपेंडिकुलर आपके पास क्या था परपेंडिकुलर ये देखिए दिस इज द पी क्यू और ये आपका क्या था बी सी स्क्वायर देखिए इज इट क्लियर। तो फिर आपने क्या किया व्हाट यू हैव डन पी क्यू इज इक्वल टू आपने देखिए आपका ए बी आपका and आपका देखो QR is equal to अपने BC you have kept now by construction ये construction की मदद से आपने यहाँ पे देखिएगा ये रख दिया तो in place of PQ AB you have kept both are the squares now plus in place of QR ये देखो सामने QR BC अगर AB square plus BC square AB square plus BC square दोनों को आपका compare कर रहे हैं आपका नाम देखो तो Q यहाँ पे लिख दीजिएगा AB का square और plus BC square is equal to आपका नाम देखो this AB square और plus या पहले हमेशा कंस्ट्रक्टिव आएगा तो यहां पे पहले ये लिखने का भी तरीका हो ये टू और देखो ये अगर मैंने इसलिए लिखा कि कहीं आपके स्कूल टीचर ये तो नहीं करते हैं देखो क्योंकि कंस्ट्रक्टिव पहले होना चाहिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर की जगह में आपका देखो पी आर स्क्वायर आपने रखा एन ए प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह में यू हैव कैप्ट ए सी का स्क्वायर इफ powers are same on both sides cancel them cancel them इनको cancel कर दीजिएगा and collect the base दोनों की power same है इनको कैंसिल कर दीजिएगा और बेस तो देखो इसलिए आपका व्हाट इज पी आर इज इक्वल टू अल्टीमेटली द लास्ट वेपन फॉर प्रूफिंग एक ये आपके पास आ गया पी आर इज इक्वल टू एसी गॉट इट। अब देखिए मैं इन थर्ड फेज यू हैव कंपेयर नाउ यू प्लीज कम टू द फोर्थ फेज अब यहां पे लिखेंगे दो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड इन ट्राइंगल ए बी सी पहले कंस्ट्रक्टेड आपका आएगा याद रखिएगा पी क्यू आर आप ऐसे कर रहे ए बी सी भी आप ऐसे करेंगे क्योंकि सिमिलर की मैंने आपको बोला है कि बहुत नहीं तो उलझ जाएंगे आप तो पी क्यू आर में देखिएगा पी आर इज इक्वल टू ए सी ये देखिए प्रूव्ड एवर ये प्रूव्ड एवर देख लीजिएगा सर या इक्वेशन नंबर थ्री में पी आर इज इक्वल टू ए सी आपका आ गया देखिए वो देखिए पी क्यू इज इक्वल टू ए बी ये आपका देखो ये कंस्ट्रक्शन से बाय कंस्ट्रक्शन ये और आपका देखिए क्यू आर इज इक्वल टू आपका बी सी ये भी आपका देखो बाय कंस्ट्रक्शन ये तो आपका देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल ए बी सी देखिए यही एक ऐसी थ्योरम है जो है सिमिलर के लेकिन देखो लास्ट में कॉन्करेंसी लग रही है आपका देखो इसीलिए कॉन्करेंट बनाया देखो है सिमिलर का साइन क्या होता देख लीजिए आप और ये देखो आपका इक्वल के ऊपर अगर आप सिमिलर का साइन रख देंगे तो ये आपका आपका क्या होगा कॉन्करेंसी हो गई तो ना देखो बाई साइड 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 कॉन्करेंसी साइड साइड कॉन्करेंसी से हो गया देखिए तो देयरफॉर आपका ना देखो एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री और 90 डिग्री इज इक्वल आपका ना देखो एंगल क्यों आपका देखो बाय सीपी सीपी
चीज प्रूव करनी होती है कॉन्करेंसी में, याद रखिएगा वो बाई सीपीसी की होती है। एंगल क्यू की वैल्यू क्या है 90, भाई आपका 90 आपका क्या है बी के बराबर हो जाएगा आपका। सब क्लियर? देखो एंगल क्यू बीच वाला एंगल, देखो ये बीच वाला, देखो ये आ गया इसे, तो देखो ट्राइंगल ट्रायंगल एबीसी एबीसी